Good morning student. Good morning student. Myself Chirak Sukhani from Raphael College BBapi, and I'm going to teach you a fundamental economic subject. And we will continue our chapter that is elasticity of demand. So we already completed price elasticity of demand, that is meaning and definition, types, then equation, and then factors affecting price elasticity of demand. So today in this session, we will discuss the next topic that is income elasticity of demand. So first of all what is income elasticity of demand so before starting income elasticity of demand you should know what is income demand okay so we already learned what is income demand Ke income demand express relationship between income of the consumer and quantity demand okay and a income and demand whereas other factors remaining constant Okay, the, so, income demand express the relationship between income of the consumers and the quantity demand. So, what is income elasticity of demand? So, income elasticity of demand shows income elasticity of demand shows that consumer's demand for the commodity change as a result of change in his income. Okay, and income elasticity elasticity of demand for a commodity shows कंज्यूमर्स डिमांड फॉर द कॉमोडिटी चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन हिज इनकम सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम जैसे हम लोग ने प्राइस इलास्टिस ऑफ डिमांड पढ़ा वैसा ही ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ऑफ डिमांड डिमांड व्हाट इट इट मेजर मेजर रेट चेंज चेंज इन इन ड्यू टू द कंज्यूमर्स इनकम इट मीन इट इज अ डिवाइस टू मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इट इज अ डिवाइस टू मेजर द रेट ऑफ चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स आ रहे समझ में सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सोज uh, दैट के क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ओके सो इनकम इलास्टिस ऑफ डिमांड वॉट इट इंडिकेट इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम यानि वो क्या मेजर करता है कि कितने परसेंटेज डिमांड में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स में, इट मीन कंज्यूमर्स की इनकम में कुछ चेंज आया तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया कितना रेट चेंज आया वो मेजर करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर ऑल ऑफ यू सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इट मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर सो इट मेजर द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर सो इनकम इलास्ट्री डिमांड मे बी डिफाइन इज वॉट द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स टू द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ओके सिंपल सा वहां पर क्या था प्राइस इलास्टिसिटी में क्या था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो यहाँ पे इनकम में क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्लियर सो इनकम इलास्टिट ऑफ डिमांड हाव इनकम इलास्टिक्ड मे बी डिफाइन इज वट परसेंटेज और प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द Percentage or proportionate change in income of the consumer. This is what income elasticity of demand. Clear, all of you? Now, next types that is types of income elasticity of demand. Okay, now what are the types of income elasticity of demand? So, next question is what types? सो फर्स्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके मेनली थ्री टाइप्स है दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी देन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड देन जीरो इनकम इलास्टिसिटी ना पॉजिटिव पॉजिटिव का जनरल टर्म क्या है कि पॉजिटिव क्या एक्सप्रेस करता है एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा एक वेरिएबल डिक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा दैट इज वॉट पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप ओके नेगेटिव में क्या होता है एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है एंड एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है दैट इज वॉट नेगेटिव क्लियर सो वॉट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रिफर्स टू द सिचुएशन वेर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज With increase in the income of the consumers and demand for the product decrease with decrease in the income of the consumers. Okay, so positive income elasticity what it measure A quantity demand increase hoga because of increase in the income of consumers and quantity demand decrease hoga because of decrease or fall in the income of the consumers and a direct relationship that is income increase, demand increase. Income decrease, demand decrease. This situation is called as what? Positive income elasticity of demand. Okay, and generally, income elasticity of demand is positive for normal goods. Now here, normal goods is what? Anything that may be compatible goods, that may be necessities goods, or it may be luxurious goods. Okay, so income increase, demand uh, demand increase. Income decrease, then demand also. डिक्रीज दिस इज वॉट पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी सो यहां पर आपको क्लियर कट डाय दिख रहा है एक्स एक्स पे क्वॉंटिटी डिमांड वाई एक्स पे भी इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स आ जाएगा सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इज ओ एट दैट टाइम डिमांड इज ओ क्यू देन इनकम इनक्रीज फ्रॉम ओ ए टू ओ बी देन दिन क्वानिटी डिमांड ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन समझ में सो सिंपल सा आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ऐसे सो दैट इज एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस तो यहाँ पे इनकम होगा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड जैसे जूम सपोज मेरा इनकम फिफ्टी थाउजेंड है मेरा इनकम फिफ्टी थाउजेंड है ना वो टाइम पे मेरा क्वांटिटी डिमांड हंड्रेड यूनिट से कोई भी प्रोडक्ट का तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा ओके नाउ इफ माई इनकम इंक्रीज दैट इज वन लेख हो गया मेरा इनकम अभी वन लाख हो गया तो डिमांड भी इंक्रीज होगा यानी हंड्रेड से मैं टू हंड्रेड मोर देन टू हंड्रेड परचेस कर सकता हूं सो आपको यहां पे नया पॉइंट मिलेगा ओके okay? सो so, डिमांड कव कैसे जाते हैं अपवर्ड स्लोप दैट इज वॉट पॉजिटिव क्लियर ऑल ऑफ यू क्लियर ना डायग्राम सो इन दिस डायग्राम द स्लोप ऑफ द कव इज वॉट अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इंडिकेट दैट increase in income will lead will lead to increase in demand and decrease in income will lead to fall in the demand therefore in such a case the elasticity of demand it is called as what positive clear all of you so first type is what positive income elasticity of demand clear now positive income elasticity of demand can be of three types. पॉजिटिव okay, है सो इज व्हाट थ्री टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी फर्स्ट इज व्हाट यूनिटर इनकम इलास्टिसिटी देन मोर देन यूनिटरी आएगा एंड लेस देन आएगा ओके यूनिटरी आपका आंसर यूनिटरी का आंसर क्या आता है कि इनकम इलास्टिसिटी का आंसर क्या आना चाहिए वन ओके okay? कौन से सिचुएशन में होगा वन के वेन प्रपोर्शन चेंज इन डिमांड ट चेंज इन इनकम क्लियर दैट इज वॉट यूनिटर इनकम इलास्टिसिटी ना यूनिटर इनकम इलास्टिसिटी क्या एक्सप्रेस करेगा इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज बाई फिफ्टी परसेंटेज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज बाई फिफ्टी परसेंटेज देन डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज बाई फिफ्टी परसेंटेज आपका आंसर क्या आएगा One. जितना परसेंटेज इनकम में इंक्रीज आया उतना परसेंटेज डिमांड में इंक्रीज आया अपोजिट जितना परसेंटेज इनकम uh, में डिक्रीज आया तो उतना ही परसेंटेज डिमांड में भी डिक्रीज आया दैट इज कॉल्ड एज वॉट यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी क्लियर तो आपको यहां पे एग्जाम्पल दिख रहा है कि इफ इनकम इंक्रीज बाय 50 परसेंटेज

बॉर्ड नहीं है तो एग्जेट तो नहीं आएगा बट ट्राई करता एग्जिट लाने के लिए सपोज कंज्यूमर्स इनकम इज ओ आई एट दैट टाइम डिमांड इज ओ क्यू ओके नाउ इनकम इंक्रीज इनकम इंक्रीज तो डिमांड में भी सेम परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए सेम परसेंटेज दैट इज क्यू वन इनकम इंक्रीज हुआ आई आई वन तो डिमांड भी ओ क्यू वन सेम इंक्रीज हुआ तो आपका डिमांड का कब यह आएगा इट मीन्स जो ये डेल्टा आई है ये डेल्टा आई और ये डेल्टा क्यू उसका प्रपोर्शन सेम होना चाहिए सपोज इनकम यहाँ पे 50 परसेंटेज इंक्रीज हुआ ना तो डिमांड में भी सेम 50 परसेंट यानी ये बॉक्स और ये बॉक्स इक्वल होना चाहिए ओके सो अगेन मैं ट्राई आई विल ट्राई ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस सपोज़ ये जितना बॉक्स है ना उतना सेम आपका ये अभी आना चाहिए सपोज़ ये फिफ्टी परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड भी फिफ्टी परसेंटेज इंक्रीज हुआ दैट इज़ व्हाट डीडी इज़ व्हाट डिमांड का दैट इज़ वॉट यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी

proportionate change in demand is more than proportionate change in income it is called as what high income elasticity that means if income increase by 50 percentage but demand will rise by 80 percentage such situation is called as what more than unitary income elasticity or high income elasticity so in that case the value numerical value will be greater than 1 ना अभी हम लोग हमको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर पाएंगे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ओ वाई एट दैट टाइम डिमांड इज ओ क्यू ओके नाउ आपको क्या दिखाना है कि प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम सपोज इनकम इंक्रीज हुआ फिफ्टी परसेंटेज इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ 80% हो गया ओके okay? सो so, आपका डिमांड का को थोड़ा फ्लैट जाएगा डीडी ओके दैट मींस जो ये डेल्टा वाई है डेल्टा वाई ये 50% इंक्रीज आया बट डेल्टा क्यू कितना परसेंटेज इंक्रीज आया 80% दिस इज व्हाट हाई इनकम इलास्टिसिटी और मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी क्लियर ऑल ऑफ यू सो मोर देन यूनिटर इनकम इलास्टिसिटी रहने Proportionate change in demand is more than proportionate change in income. Clear. Yeah. So, what is less than unitary income elasticity? Okay. Now, less than that is what low income elasticity. It means when proportionate change in demand is less than proportionate change in income. That is 50% increase in income will lead to only 25% increase in demand. It's called as what? लो इनकम इलास्टिसिटी और लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है कैसे उसका शेप बनेगा एक्स एक्सिस इन दी वाई एक्सिस यहां पे इनकम यहां पे क्वांटिटी डिमांड सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ओ वाई एट दैट टाइम डिमांड इज ओ क्यू क्लियर ना अभी आपको क्या दिखाना है नहीं? प्रपोर्शनट चेंज इन डिमांड इज लेस दैन प्रपोर्शनट चेंज इन इनकम सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज टू ओ वाई ओके तो डिमांड थोड़ा इंक्रीज हुआ लेस इंक्रीज हुआ दैट इज क्यू वन सो आपका डिमांड का कहू थोड़ा स्ट्रेट जैसा जाएगा डी डी ओके दैट मीन्स जो आपका ये डेल्टा वाई डेल्टा वाई फिफ्टी परसेंटेज चेंज आया बट ये डेल्टा क्यू कितना इंक्रीज आया ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंटेज या लेस देन ट्वेंटी लेस देन फिफ्टी परसेंटेज क्लियर सो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम इट इज कॉल्ड एज वॉट लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर ऑल ऑफ यू ओके सो ये पॉजिटिव का आया सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज दैट इज वॉट पॉजिटिव सो उसके थ्री टाइप्स है unitary income elasticity then high income elasticity that is more than unitary income elasticity and third is what less than unitary income elasticity yeah so second broad category that is negative income elasticity that is what negative income elasticity so what is negative income elasticity a negative income elasticity refers to the situation when rise in income. इनकम इंक्रीज हुआ तो, तो दूसरा वेरियेबल क्या हो गया डिक्रीज हुआ दैट इज वॉट नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी सो वेन राइज इन इनकम विलीड टू फॉल इन क्वॉंटिटी डिमांड दिस इज कॉल्ड इज वॉट नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ओके सो जनरली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज फॉर द इनफीरियर गुड्स इट इज फॉर द गिफन गुड्स ओके यानी एकदम लो क्वालिटी वाला गुड्स है ना लो क्वालिटी वाला दैट इज कोवर्स कोवर्स क्लोथ फूड ग्रेन वो टाइप में ऑलवेज इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी क्यों जैसे नाउ ये कोवर्स क्लोथ कोवर्स ग्रेन ये कौन यूज करते हैं एकदम पुअर क्लास पीपल वेरी पुअर क्लास पीपल क्लियर सपोज पुअर क्लास पीपल का इनकम इंक्रीज हो गया तो पुअर क्लास पीपल के अभी क्या खाएंगे बेटर क्वालिटी वाला फूड ग्रेन खाएंगे तो डिमांड ऑफ लो क्वालिटी वाला गुड्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्लियर सो राइस इन इनकम विल लीड टू फॉल इन द डिमांड सच सिचुएशन इज कॉल्ड इज वॉट नेगेटिव इनकम इलास्ट्रिसिटी एंड जनरली नेगेटिव इनकम इलास्ट्रिसिटी ऑफ दैट इज नेगेटिव इनकम सॉरी दैट इज Uh, for the inferior goods that is low quality goods the income elasticity of demand always be negative. Clear? Yeah? So, for example, in case of inferior goods income elasticity of demand is negative indicating that income increase demand for the inferior goods fall because poor class will switch to better quality better quality of food grain. Okay. So, income increase. So, क्लास पीपल अच्छी क्वालिटी वाला फूड ग्रेन परचेस करेगा नहीं कि लो क्वालिटी वाला फूड ग्रेन परचेस करेगा सो इनफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा लो हो जाएगा क्लियर तो उसका डायग्राम आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इनकम एन दी क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस ओके सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज टेन रुपीज एट दैट टाइम डिमांड इज फोर ओके नाउ सपोज इनकम बढ़ गया टेन से ट्वेंटी हो गया ओके okay, तो कंज्यूमर्स का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बट फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स दैट इज इंफीरियर गुड्स क्लियर सो इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द डिमांड कब इज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्लियर तो यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखा है कि वेन इनकम इज रुप टेन तो डिमांड फॉर द गुड्स इज फोर यूनिट्स On the other hand, when income increases to 20, na, then the demand is 2 units. Thus, the slope of the curve, is what? Downward slope from left to right, which indicate that ke increase in income will lead to decrease in demand and vice versa. Therefore, in such a case, elasticity is what? Negative. Clear? <coughs> yeah. So, last is what? Third point, zero income elasticity. दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी नाउ नॉट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन वेन देर इज अ चेंज इन इनकम विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होगा

चेंज नहीं होगा जो था वही रहेगा दैट इज कॉल्ड एज वॉट जीरो इनकम इलास्टिसिटी आया समझ में नाउ डायग्राम क्लियर कट दिख रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सपोज कंज्यूमर्स का इनकम इज टेन रुपीज कंज्यूमर्स के इनकम टेन रुपीज है वो टाइम उसका डिमांड फोर यूनिट्स था अभी कंज्यूमर्स का इनकम इंक्रीज हुआ ना ट्वेंटी रुपीज तो भी डिमांड फोर यूनिट्स है सो इट इज वॉट स्ट्रेट लाइन पैरल टू वाइक्सिस वर्टिकल पैरल टू द वाई एक्सिस दैट इज वॉट डिमांड गाव क्लियर तो यहां पर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है कि दिस डायग्राम शोज दैट इनकम इंक्रीज फ्रॉम रुपीज टेन टू ट्वेंटी देन द डिमांड फॉर द गुड्स रिमेन द सेम दैट इज ओनली फोर यूनिट जो था वही दस द स्लोप ऑफ द कविट इज पैरल टू द वाय एक्सिस विच इंडिकेट दैट की इनकम इंक्रीज देर विल बी नो इफेक्ट ऑन डिमांड That is called as what zero income elasticity. Clear all of you. So here we have complete meaning and types. Now next topic we will discuss in the next video. Bye.